नुश्या जी, जी, नुश्या जी, हो आ, जी आ, हम इससे पहले भी आपकी फिल्में देख चुके हैं हैं छोरी और अब तो आप ऐसे के से. प्यार का पंचनामा वन टू एल एस डी सोनू की स्वीटी हमें कोई नहीं जानता था हम स्टार्स नहीं थे हम कहीं से किसी बैकिंग से नहीं आए थे We Uh, जिन जिनको एक फिल्म में एक डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने कास्ट कर लिया वी गॉट लकी और उस फिल्म की कंटेंट बहुत लोगों तक कनेक्ट हुई बहुत पॉपुलर हुई तो हमने आगे एक पिक्चर की फिर वो पॉपुलर हुई तो हमने आगे एक पिक्चर की तो मुझे तो जिंदगी इन दिस फील्ड ऑफ एक्टिंग इन सिनेमा दी ही ऑडियंसिस ने हैं तो अगर मैं उन्हीं की कहानी की फिल्म नहीं करूँगी तो क्या करूँगी सो आई फील लाइक इट्स जस्ट जस्टिफाइड नुसरत Akruti here. Uh, Hi Akruti. Nishrut, first of all congratulations for the amazing trailer. Thank uh, you so much. Nishrit, uh, I want to ask you that uh, do you think this uh, topic is still considered a taboo in society? Or uh, people are actually gradually progressing to accept subjects like this? You know, I, if I tell you my thought, I'm telling you my thought from my world, which I think is very small. <laughs> I feel our country is very big, it's very diverse. एक छोटे से शहर में चंदेरी में भोपाल में या हम जहाँ भी शूट करके आए वहाँ की दुनिया क्या है वहाँ लोग क्या सोचते हैं वो भी मैटर करता है तो आई कान टेल यू माई थॉट एंड लेट दैट बी हावी ऑन द होल फिल्म बट आई कैन टेल यू दिस अगर लोग ये पिक्चर देखने आए तो उनकी सोच बदल रही है आई गेस दैट्स द ओनली प्रमाण वी नीड हाई रिथुन जर फ्रॉम बॉब डायरी फर्स्ट ऑफ ऑलेश अमेजिंग ट्रेलर You. And so Nushrat, I have a question for you. Like, of lately, you have been picking uh, scripts like very content-based and uh, performance-oriented. Uh, right from chhalang then chori then uh, we can say अजीब दास्तांस. And now जनहित में जा रही जल्दी लुकिंग गुड. So how's this process of choosing the scripts and uh, choosing the story? Like I said, मैं audience point of view से देखती हूँ यार. अगर मुझे narration में मज़ा आया, तो मैं film करूँगी. अगर मुझे नरेशन में uh, कुछ इमोशंस था या इम्पैक्ट हुआ या कुछ फील हुआ एज एन ऑडियंस कि मैं इस फिल्म को टिकट खरीद के देखने जाऊंगी तो मैं वो फिल्म करती हूं। uh, फिर वो ड्रीम uh, गर्ल क्यों ना हो फिर वो छलांग क्यों ना हो फिर सोनू की डिटी की स्वीटी क्यों ना हो सो दैट्स द ओनली पैरामीटर ऑन विच आई जज इट हाय हाय कैसे एकदम बढ़िया अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सवाल पूछो कुछ जवाब दे देते कैसे हो बढ़िया

के साथ काम करो ना और हमने ड्रीम गर्ल के लिए पता नहीं की है तो जब आपको एक इंसान का विजन समझ में आता है ना तो फिर वो बात जो है ना कि कौन बेचने वाली लड़की वो आपको खटकती नहीं है फिर लगती है बहुत मजा आएगा ये कुछ करेंगे हम तगड़ा वो विश्वास पहले से ही सेट हो जाता है सो या One question for you. Basically, Kareela this movie is anyhow going to be theater rush for metro cities and all. But आपको लगता है कि ruler market में, गांव में ये movie acceptable होगी या उस घर के औरतें वो movie देखना पसंद करेगी या जाएगी? और या और are looking to do any kind of promotion, you know, marketing strategy over there where people also relate to the movies. Obviously marketing तो होगी वहाँ पे, because हमको हमारे target audience जहाँ बैठे हैं, उन तक तो पहुँचना ही है, और वो पहुँचाने वाले हैं शारिक and team, क्यों अभी इन्होंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था कश्मीर फाइल्सर oh. no, मैं मैं <laughs> हूँ तो <laughs> अच्छा अनुज से क्वेश्चन uh, या, आपने तो फर्स्ट कॉर्नर में अपने दोस्त के लेने गए थे उसके बाद श्योरली आप खुद के लिए भी तो लेने गए हो गए कभी

ये इतना फ्रैंक रहा है बचपन से इसने तो फ्लेवर होगी नाम दिए हैं है? फ्लेवर भी बोला होगा हाँ हाँ ये तो सारा था सिंगाड़ा बंगाड़ा सब है यार मैं राइट राज में मुझे बोलने का मौका बड़ा कम मिलता है आज मिला है तो उतना था तो बोलूंगा यार उतना तो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन थैंक यू Nusrat, this is uh, Yo yeah, yeah. hi. hi, hi. This is uh, Shreshta from Desi Martini. Congratulations for such a good trailer. Thank you. Yeah, we saw that you, you know, you are having both, uh, you know, fun and emotionally high-pitched scenes in the trailer. So, any behind the scene memory or prepping for the film, which is very close to your heart? Um, yeah, this film. Me, unlike other films, this um, lady's character, no, thora zada. Um, इन योर फेस है थोड़ी एक तेज़ है थोड़ी एक करारी है तो सारे डायलॉग्स जब मुझे रियलाइज अब हुआ जब मैं डब करी थी कि इतने फास्ट बोले हैं इतने फास्ट बोले हैं कि मुझे अब डब करते हुए समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है ये लड़की इतना तेज़ क्यों बोल रही है कैसे करूँ मैच मैं um, तो वो वो डायलॉग्स वो प्रेप मेरे लिए मुश्किल थी क्योंकि आई एम नॉट यूज टू स्पीकिंग दैट फास्ट इन एनी अदर फिल्म बट आई वॉन्टेड टू ब्रिंग दैट इन दिस फिल्म ब्रिंग दैट फ्लेवर इन हर तो वो मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि डायलॉग्स लिखे भी बहुत लंबे लंबे थे आ, राज सर ने पहली बार मेरे लिए सुधार। सुधार। मैं कम पैसे लेके ज्यादा लिखता हूँ क्या इशू इसमें कोई इशू एक है एकदम डेढ़ घंटा पिक्चर भी ज्यादा बड़ी बना दी इन्होंने इन्होंने मुझे